अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। देखिए, सुबह के 7:48 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दिन नहीं हुआ। मैंने बच्चों का लंच रेडी किया है और अब उनको उठाऊंगी। गुड मॉर्निंग। आज हम आज फ्राइडे है और आज हम स्कूल जा रहे हैं। आज फ्राइडे है और आज हमारा जिम डे है। चलने बैग्स पहने। अल्लाह हाफिज़। मैं कढ़ाई बना रही हूँ, बस कढ़ाई भूनी गई है और यहाँ पर बच्चों के लिए बन रही है फ्राइज। बच्चे स्कूल से आते हैं तो मैं इनको फौरन ही खाना खिला देती हूँ। हम लोगों का थोड़ा लेट हो जाता है तो अभी तो बच्चों का स्नैक टाइम है। मैंने कढ़ाई के साथ ये लवाश लिए हैं। ये नॉर्मली किसी भी टर्किश और मरोकी शॉप से मिल जाते हैं। ये बहुत बड़ी रोटी होती है कि दो लोग इजीली खा सकते हैं। तो शुरू शुरू में तो इसके टेस्ट की हम भी आदी नहीं थे, लेकिन अब खा लेते हैं। मैं इसको कट करके दो नान बना लेती हूँ और तवे पे बटर के साथ फ्राई करती हूँ, तो वो बिल्कुल रोगनी नान की तरह लगता है और थोड़ा क्रिस्पी भी हो जाता है। ये देखिए, मैं इसको तवे पे बिल्कुल हल्की आंच पे रखूंगी और हल्का सा बटर लगा के गर्म करूंगी। सुबह नाश्ते में तो अगर इसको देसी घी लगा के फ्राई करो और अंडे से खाओ तो बहुत मजे का लगता है, लेकिन अभी तो कढ़ाई के साथ खाना है तो इसलिए इसको मैं ऐसे ही गर्म करूंगी हल्का सा बटर लगा के। कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बस इसमें धनिया और हरी मिर्च डालनी है और बस बच्चों को फ्राइज देकर हम लोग भी खाना खाएंगे। ये जो नॉर्मल कोई भी हलाल बेकरी है या टर्किश बेकरी है, वहां से इजीली ये लवाश मिल जाते हैं और बहुत मोटे भी नहीं होते। आप बस ये देखिएगा कि मोटे वाले ना थोड़े से थिन हो तो ये खाने में इजी होते हैं। मोटे वाला हम लोगों से खाया नहीं जाता, उसमें ना बहुत ईस्ट का टेस्ट आता है। और बच्चों के फ्राइज भी बस ऑलमोस्ट रेडी है। शालू नैन यहाँ खेल रही हैं। आज फ्राइडे है तो थोड़ा सा रिलैक्स डे है कि इनको सुलाना नहीं, इनकी रूटीन को फॉलो करना है। शाल क्या बना रही हैं? मैं ये घर बना रही हूँ। घर बना रही हैं, वाओ। फ्राइज लेकर आए मामा? ओके। खाना खा लिया है हम लोगों ने और मैंने नमाज पढ़ी है। शाम के बज रहे हैं, 4:40 हो गए हैं। बच्चे फ्राइज खा रहे हैं और अब मैं पी रही हूँ चाय। फ्राइडे की वजह से कोई इतनी टेंशन नहीं है कि बच्चों को सुलाना है, तो आज मैं बच्चों को लेके जाऊंगी बाहर। हम लोग बाहर जाएंगे, 5 बजे सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं और फिर सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो हमने कहा बच्चों को आज गाड़ी पे घुमा लाते हैं, थोड़ा सैर करवा देते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा। घर आ चुके हैं। बाहर बहुत सर्दी थी और बारिश भी हो रही थी, फिर ज़्यादा बच्चों को बाहर नहीं निकले, घर का सामान लिया और आ गए। तो घर आई हूँ और मैं बना रही हूँ यहाँ पर यखनी। थोड़ा गर्म है, ये बन रही है यहाँ यखनी, क्योंकि सबको फ्लू हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो एहतियात के लिए यहाँ दवाई खाने से बेहतर है कि यखनी बना लें। और मैं साथ बना रही हूँ फजीता सैंडविचेस। ब्रेड को मैंने कैचअप लगा के रखा है और ये मैं चीज़ यूज़ करती हूँ।
ये जो मैंने चिकन का मटेरियल बनाया है, इस मटेरियल से मैं ब्रेड पर लगाऊंगी ऊपर चीज़, और सैंडविच मेकर में बना लूंगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, क्योंकि दोबारा रात में रोटी खाने को बिल्कुल भी किसी का मूड नहीं। और अब देखते हैं इशाल हुनैन क्या कर रही हैं। इशाल इशाल आप टीवी देख रही हैं, और हुनैन देखे नमाज पढ़ रही है। हुनैन दुआ कर रही हैं। दिन कैसा रहा इशाल? बहुत अच्छा। अच्छा रहा? क्या किया? खेले थे। लेकिन आज तो आप थकी थकी लग रही हैं। फ्राइडे को ही शाल हुनैन के स्कूल में जिम होता है। जिस दिन जिम होता है उस दिन थोड़ा थक जाती हैं, क्योंकि जिम स्कूल में नहीं है, एक दो थोड़ा दूर वॉक करके बिल्डिंग में बनाया हुआ है, तो वहाँ वॉक करके भी जाती हैं, फिर थक जाती हैं। एक घंटे का इनका जिम होता है, जिसमें इनको जिमनास्टिक भी सिखाते हैं। वीक में दो दिन इनका जिम होता है, ये इस वजह से। और अभी आपने लेगोस से क्या बनाया है दिखाएं। ऐशाल ने ये लेगोस से कुछ बनाया है, बताएं ये क्या बनाया है। एक फॉरेस्ट। फॉरेस्ट बनाया है? और इशाल के पास ये लेगोस की बुक है, इशाल ने उसे देख देख कर बनाया है फॉरेस्ट। वो दूसरी है, और ये फॉरेस्ट में कैंपिंग कर रहे हैं। बच्चे अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं लेगोस बनाने के लिए, ये एक अच्छी एक्टिविटी है। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं देती, इसमें ना आधे पार्ट्स घूम जाते हैं, लेकिन वीकेंड था तो मैंने इनको निकाल दिया। और ये आ गई है हुनैन। आज मैं जिम था, और मैं आज आपको गाना सुनाऊं। कौन सा सॉन्ग सुनाना है? Entry, yellow practice ball, my friends are sensing for a water sentiva. Wow, very good. आपको ये स्कार्फ बहुत अच्छा लग रहा है जी। 9 बज गए हैं, और बच्चों को अब अपनी रूटीन की वजह से आदत हो चुकी हुई है जल्दी सोने की, और अब ये थक गई हैं, इनको नींद आ गई है। मैं पिलाऊंगी बच्चों को दूध, और फिर इनको लेटाने की तैयारी करूंगी। पता नहीं अभी सोती हैं कि नहीं, क्योंकि कह रही हैं आज हमने मूवी नाइट करना है, तो पता नहीं अब इन्हें मूवी नाइट करती हैं कि क्या करती हैं। ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। नेक्स्ट डे सैटरडे, और आज हम बच्चों को बाहर लेकर आए हैं। मॉर्निंग में बच्चों को ब्रेकफास्ट कराया, इनको नहलाकर घर साफ करके हम लोग फिर निकल आए। बहुत जल्दी तो नहीं निकले थे, जाहिर है छोटे बच्चे हैं, और फिर सब कुछ समेट कर से नमाज वगैरह पढ़ते 3:30 हो गए थे। हम लोग वैसे लेट हो चुके थे, क्योंकि 5 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, और हम लोगों को होता है कि चलो जल्दी से निकल जाएं, ताकि वीकेंड पे 2 ही दिन होते हैं बच्चों के साथ इनको एंजॉय करने के, घुमाने के, वरना वीकडेज में तो स्कूल, घर और वो ही सबकी एक जैसी रूटीन होती है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कहीं बच्चों को अच्छी जगह लेकर चलेंगे। मेरी एक जानने वाली हैं, अलमीर में रहती हैं, उन्होंने मुझे इस जगह का बताया था। तो हमने डिसाइड किया आज किसी डिफरेंट जगह का विज़िट करना चाहिए, इसलिए हम लोग बच्चों को लेकर एम्स्टलफीन के सेंट्रम में आए। हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था पार्किंग लगाते लगाते, तो वैसे क्लोजिंग टाइम था, हम 4:30 तक पहुँचे, 5 बजे बंद हो जाता है। तो मैं बच्चों को यहाँ ले आई। हम लोगों को मुझे वैसे ही घूमते घूमते मॉल नज़र आया, तो मैंने यही सोचा कि बाहर घूमने से अच्छा है, सबसे बेहतर ऑप्शन है कि मैं इंडोर बच्चों को लेके चली जाऊँ इनसाइड, ताकि बच्चे आसानी से सुकून से घूम सकें। और फिर वेदर ऐसा है, ये 4 मंथ्स ऐसे ही होते हैं, ताकि बच्चों को हवा ना लगे। शालून एन मॉल में एंटर होकर बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि अब मॉल बहुत प्यारा था, बहुत बड़ा नहीं छोटा सा था, लेकिन इसमें सब ब्रांड्स थे, और क्रिसमस की वजह से इसको बहुत प्यारा लाइट्स के साथ डेकोरेट किया हुआ था।
हर जगह रोशनी ही रोशनी थी। क्लोजिंग टाइम में भी मॉल बहुत प्यारा लग रहा था। हर टेडी, हर कलर का टेडी बियर था और उस पर लाइट्स लगाई हुई थी। बच्चे खुश और एक्साइटेड हो रहे थे और मैं इनको फोर्स नहीं कर रही थी कि चलो। मैंने सोचा कि ये इसी को देखकर खुश हो रही हैं तो थोड़ी देर खेल लें। बार बार मुझे कह रही थी हम लोगों ने अब टेडी बियर के पास जाके वीडियो बनानी है, अब लोग के पास जाके वीडियो बनानी है। बहुत खुश थी, जैकेट्स उतारनी क्योंकि अंदर तो बहुत ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, बहुत सर्दी नहीं होती, तो बच्चे इजीली जैकेट्स के बगैर भी घूम रहे थे। और मैं ये सोच रही थी कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड तो नहीं करना चाहिए, पूरा घूम लेना चाहिए। ऑलमोस्ट वैसे भी सारा कुछ बंद हो चुका हुआ, लेकिन बच्चों का दिल नहीं भर रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ टाइम इनको ये अच्छी तरीके से देख लेने देती हूँ, हम लोग नेक्स्ट टाइम जल्दी आ जाएंगे और फिर पूरा एक ही दफ़ा घूमेंगे। पूरा हाथ लगाकर टच कर देख रही थी। नीचे भी काफ़ी शॉप्स होंगी, मैंने नीचे तो नहीं जाके देखा क्योंकि अगर मैं इसी को डिटेल से देखने लग जाती तो बहुत देर हो जानी थी और फिर बाकी मैं कुछ भी नहीं देख पाती। तो वैसे ये मॉल बहुत प्यारा है और छोटा है, लेकिन इसकी एंट्रेंस काफ़ी साइड से है। एंट्रेंस नंबर 3, 4, 5, 1 से स्टार्ट होती हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि जो जहाँ से भी उसका रूट हो वो किसी भी गेट से एंटर हो सकता है। नीचे से लोग आ जा रहे थे और मैं ऊपर से यही देख रही थी कि नीचे कौन कौन सी शॉप हैं, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए आइडिया हो जाए कि यहाँ कौन कौन से ब्रांड्स हैं। तो फिर बाहर चले गए, बाहर भी बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था। ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा लाइट्स लगाई हुई थी और क्रिसमस ट्री बनाए हुए थे। बाहर रेस्टोरेंट्स भी थे, सैलून्स भी थे, बच्चे बाहर भी बहुत खुश थे, लेकिन बाहर सर्दी बहुत हो रही थी और लोग काफ़ी थे बाहर भी। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग घर जाकर आराम से तसल्ली से ही खाना खाएंगे और बाहर से कुछ नहीं खाएंगे। मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन तो घर कर आई थी, लेकिन अभी बच्चों को भूख लग गई थी तो मैंने इनको सोचा फ्राइज ले देती हूँ ताकि थोड़ी देर इनको जो भूख लगी है कुछ खा लें और फिर मैं घर जाकर इनको प्रॉपर खाना बना के दूँगी। हम लोग चले गए, सामने ही फ्राइज़ लिखा हुआ एक शॉप में नज़र आ रहा था और हम लोग चले गए फ्राइज़ शॉप की तरफ। मैंने दोनों को फ्राइज़ लेके दी, ये गाड़ी में बैठ के फ्राइज़ खाएंगी। ये एरिया बहुत अच्छा था, इवन के यहाँ इंडियन पाकिस्तानी ग्रॉसरी शॉप, सैलून, काफ़ी कुछ था। हम लोग घर आ चुके हैं। हम लोगों ने बाहर खाना वगैरह का प्लान नहीं किया क्योंकि बाहर ऑप्शंस भी समझ नहीं आते। 5 बजे के बाद शॉप्स बंद हो जाती हैं, रेस्टोरेंट्स तो खुले रहते हैं, लेकिन वो हम जो है एम्सल्फिन में थे वहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं समझ आ रहा था। सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने घर आकर खाना बनाया है। बच्चे खेल रहे हैं, मैंने सैलड बनाया है और साथ आपको दूंगी कबाब फ्राई और साथ में बनाया है चिकन का पुलाव। तो बस अभी खाएंगे, चावल पक रहे हैं, इनको दूंगी दम और उसके बाद करूंगी कबाब फ्राई। तो बच्चे उतनी देर खेल रहे हैं, बाहर मैंने इनको फ्राइज ले दिए थे ताकि थोड़ा इनका पेट भर जाए और घर आकर प्रॉपर खाना खाएं। पुलाव को मैंने बहुत स्पाइसी नहीं बनाया ताकि बच्चे भी खाएं सकें। मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं डाली है और बिल्कुल काली मिर्च और थोड़ी सी सुरख डालकर बनाया है।
तो चलें अब खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको खाने के बाद।